तबीयत थोड़ी खराब है, जुकाम हो रखी है, आवाज थोड़ी दबी हुई है, तो थोड़ा इग्नोर करना उसे। आप चाहो या ना चाहो कभी ना कभी आपको अपना लैपटॉप सर्विस सेंटर ले जाना पड़ सकता है, कभी कोई प्रॉब्लम ऐसी फेस हो सकती है या हो सकता है पास्ट में भी फेस हुई हो। और ज्यादातर लैपटॉप्स पे आजकल आपको ऑन साइट वारंटी मिलती है, तो टेक्नीशियन आपके घर भी आ जाता है। बट यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप अपना लैपटॉप या तो ऑन साइट सर्विस ले रहे हैं या फिर अगर अपना लैपटॉप सर्विस सेंटर के लिए भी दे रहे हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने दिमाग में रखनी चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। अगर आप ये सारी स्टेप्स को, इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे जो मैं बताऊँगा इस वीडियो में, तो आप डेफिनेटली एक बहुत अच्छी सर्विस ले पाएंगे। कंपनी आपके इशू को सही से समझ पाएगी, मतलब सर्विस सेंटर, और अच्छे से आपको सर्विस देगा। लेकिन अगर आपने सारी चीज़ों को सही से फॉलो नहीं किया तो फ्यूचर में आपको दिक्कत आ सकती है। हो सकता है आपके लैपटॉप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए या फिर हो सकता है फिजिकल डैमेज हो जाए फ्रॉम द सर्विस सेंटर, या फिर कुछ भी ऐसी दिक्कत हो सकती है जिसके लिए फ्यूचर में आपको पैसा पे करना पड़े। इसके लिए सर्विस सेंटर बिल्कुल भी लायबल नहीं होगा, आप रेस्पॉन्सिबल होंगे। एक बार आपने अपने लैपटॉप की रिसीविंग ले ली तो ले ली। देखिए, चाहे आपका लैपटॉप सस्ता हो, महंगा हो, बिजनेस सीरीज का हो, गेमिंग सीरीज का हो, किसी भी सीरीज का कैसा भी लैपटॉप हो, ये वीडियो थोड़ा लास्ट तक आप देख लीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें सही से क्लियर हो जाएं, ताकि आप जो है लॉस ना उठाओ बिल्कुल भी। तो शुरू करते हैं फटाफट वीडियो को। हाय, दिस इज अरुण एंड यू आर वॉचिंग टेक्निकलड्रॉप। अगर आप नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर कर लेना, तभी आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाएंगे। क्योंकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस ऐसे वीडियोस होंगे जो आपसे सीधे सीधे कनेक्शन बिठाएंगे और आपकी हेल्प करेंगे फ्यूचर में। देखिए, सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप के इशू को समझने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं करना है कि जैसे कोई भी दिक्कत आई और एकदम से आप सर्विस सेंटर लेकर के चले गए उस लैपटॉप को, या फिर आपने ऑन साइट सर्विस बुक कर ली। ऐसा नहीं करना है, पहले इशू को समझना है ठीक से। आपको बेसिक डायग्नोस्टिक आनी चाहिए। जैसे कि सिस्टम स्टार्टअप के टाइम पे भी हम अपने सिस्टम के कंपोनेंट्स को वहां पर मॉनिटर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सारी चीजें सही से काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। ऑलमोस्ट हर तरह की चीजें आप चेक कर सकते हैं वहां पे। और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, अगर आपका लैपटॉप जो है ऑन हो रहा है ठीक से और कुछ और दिक्कत आ रही है, कोई हार्डवेयर से रिलेटेड या फिर कोई ग्राफिक्स से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, तो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं कि आप सही से मॉनिटर कर लें कि हाँ क्या चीज खराब है लैपटॉप में, क्या खराब नहीं है। इन सारी चीजों पर मैं जल्दी ही डेडिकेटेड वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा अगर आप नीचे मुझे कमेंट करके कहेंगे कि हाँ आपको ऐसे वीडियोस चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये इंश्योर करना है कि आपके लैपटॉप में जो विंडोज है वो पूरी फुली तरीके से अपडेटेड होनी चाहिए, जितने भी ड्राइवर्स हैं वो पूरी तरह से अपडेटेड होने चाहिए, और ये भी इंश्योर करना है कि जितने भी ड्राइवर्स हैं वो सारे के सारे मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट से डाउनलोड करे हुए होने चाहिए। डेल का लैपटॉप है डेल की से, लेनोवो का है लेनोवो की से, और एसस का है तो एसस की से, मतलब प्रॉपरली मैन्युफैक्चरर के ड्राइवर्स होने चाहिए ताकि सही से कॉम्पैटिबिलिटी बनी रहे। अगर ये सारी चीजें ठीक है तो आप ट्राई कर सकते हैं विंडोज रीसेटिंग या फिर विंडोज रीस्टोर। ये एक ऐसा फीचर होता है जो आपके लैपटॉप की लगभग 90% प्रॉब्लम्स को फिक्स कर देता है। लेकिन अगर आपका लैपटॉप जो है, मतलब उसकी जो विंडोज है वो करप्ट हो गई है किसी क्रैक एंटीवायरस, किसी क्रैक सॉफ्टवेयर या किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की वजह से अगर वो क्रैश हो गई है, कोई, क्योंकि कई बार हम लोग जो है अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं, या फिर कई बार कोई सॉफ्टवेयर बहुत पेड महंगा होता है तो उसे हम क्रैक तरीके से यूज़ करने लगते हैं अपने लैपटॉप में, तो ऐसे में आपकी जो विंडोज़ है वो क्रैश हो जाती है, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है वो किसी मैलवेयर, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर से भरा हुआ हो सकता है, तो ऐसे में वो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। तो आपको चेक करना है पहले ही ये सारी चीज़ें। विंडोज़ रिस्टोर ट्राई कीजिए या विंडोज़ को रीसेट करने का ट्राई कीजिए, ये आपकी प्रॉब्लम फिक्स कर सकता है। अगर अब भी आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो रही है तो आप विंडोज़ इंस्टॉलेशन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन विंडोज़ इंस्टॉलेशन उन्हीं लोगों के लिए रिकमेंडेड है जो विंडोज़ को इंस्टॉल करना जानते हैं। देखिए, चाहे आपका किसी भी कंपनी का लैपटॉप हो, कई बार बायोस मेन्यू में कुछ ऐसी तरह की सेटिंग करनी रहती हैं जहाँ से हम अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल जो होती है बूटेबल पेन ड्राइव उसको एक्सेस कर सकते हैं। कई बार वो डिसेबल होता है तो पेन ड्राइव ही एक्सेस नहीं होती, तो विंडोज़ लोड नहीं हो पाती है। इस तरह की काफ़ी सारी सेटिंग्स होती हैं, इन पर आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप जो है अपने लैपटॉप में विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, बूटेबल वगैरह बनाना जानते हैं, या फिर किसी टेक्नीशियन से आप मिलते हैं वो आपके लिए इतनी सारी चीज़ें कर सकता है, तो प्रॉपरली नॉलेज के साथ में ये चीज़ें आप उनसे करवाइए, खुद मत करिए, खुद ट्राई मत करिए। अदरवाइज हो सकता है आप अपने लैपटॉप को लेकर के किसी ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएं जहां पर आपका लैपटॉप जो है वो सही से रिपेयर भी ना हो पाए। विंडोज 10 कैसे इंस्टॉल करी जाती है, इसके लिए पूरा डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाया जा चुका है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देखिए, विंडोज इंस्टॉलेशन करना सीखिए। विंडोज 11 विंडोज 10 काफी हद तक सिमिलर होती है, सारी विंडोज लगभग एक जैसे तरीके से ही इंस्टॉल होती है, थोड़ा आगे पीछे रहता है। विंडोज 11 का वीडियो मैं जल्दी ही प्रोवाइड करूंगा, आप ढेर सारे कमेंट करिए नीचे, बताइए मुझे कि हाँ आपको विंडोज 11 चाहिए।
उसका वीडियो चाहिए तो जल्दी ही प्रोवाइड करूंगा। वीडियो बना के आई बटन में पिन कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। देखिए लैपटॉप को डायग्नोज करने वाली जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये स्लोली स्लोली डेवलप होती है। ऐसा नहीं है कि एकदम से आप जो है लैपटॉप के ज्ञाता बन जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिवाइस होती है। स्मार्टफोन के कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। जनरली स्मार्टफोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो करप्ट नहीं होता है, बट विंडोज जल्दी जल्दी करप्ट हो सकती है। एसस लैपटॉप की वारंटी एक्सटेंड करना चाहते हैं, उसके लिए ऊपर वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, वो वीडियो देख लीजिए। एसस का लैपटॉप है तो वारंटी एक्सटेंड इजीली कर पाएंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप कर भी लें, फिर भी आपको डबल श्योर होना है या फिर ट्रिपल श्योर होना है कि आपको सर्विस सेंटर से सर्विस चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार हमारा एक्सपीरियंस जो है वो बिटर हो जाता है। हम सोचते तो हैं कि हाँ चलो सर्विस सेंटर वाले इजीली हमारी प्रॉब्लम को फिक्स कर देंगे, जल्दी हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, हमारा काम नहीं रुकेगा। बट कई बार जो है पूरा रगड़ा हो जाता है, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं क्रिएट। कई बार हमारा लैपटॉप जल्दी हमें सर्विस सेंटर से नहीं मिल पाता है, क्योंकि कई बार कुछ बेसिक सा इशू होता है और सर्विस सेंटर वाले कुछ हैवी उसके अंदर कर देते हैं, कुछ इंस्टॉलेशन वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी और बढ़ सकती है, या फिर हो सकता है कि वो कोई हार्डवेयर रिप्लेसमेंट के लिए बोलें, कोई पार्ट के लिए। वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगा, बट हो सकता है कि ज़रूरत ही ना हो, अगर आप डायग्नोज कर लेंगे अच्छे से। आप कोशिश करिए सर्विस सेंटर ना जाएं, आप अपने लैपटॉप की सर्विस ऑन साइट वारंटी के थ्रू लें, मतलब अपने घर पर ही लें, ऑन साइट वारंटी लें अपने लैपटॉप की। उससे क्या होगा, देखिए कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपके लैपटॉप में, सीधे पार्ट रिप्लेसमेंट जब हो जाएगा तो वो प्रॉब्लम आपके घर पे ही फिक्स हो जाएगी। हाँ, सर्विस सेंटर वाले अगर बचते हैं पार्ट रिप्लेसमेंट से, तो ऐसे में वो लैपटॉप को सर्विस सेंटर ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है कई बार सॉफ्टवेयर का इशू होता है, आपके एरिया में कनेक्टिविटी अच्छी ना हो, वो विंडोज़ वगैरह सारे टूल्स लाना कई बार पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, आप सर्विस सेंटर जा सकते हैं उस बंदे के साथ में, अपना लैपटॉप उस बंदे को ना दें। क्योंकि कई बार मेरे को इंस्टाग्राम पर लोगों ने रिपोर्ट करा है कि उन्होंने बंदे को लैपटॉप दे दिया है, और उसके बाद जब वो लैपटॉप लेकर के आया वापस, रिसीविंग वगैरह कर ली, और उसके बाद कुछ ना कुछ फिजिकल डैमेज या कुछ ऐसी चीजें देखने को उन लोगों को मिली, और उसका जो क्लेम था वो सर्विस सेंटर वाले ने नहीं दिया। फिर कई बार ऐसी सिचुएशन बन ही जाती है कि हमें अपना लैपटॉप सर्विस सेंटर वाले को देना ही पड़ता है, वहां भेजना ही पड़ता है। तो ऐसे में आप क्या करें, जो बंदा रिसीव करने के लिए आपके घर पर आ रहा है या आप खुद छोड़ने जा रहे हैं अपना लैपटॉप सर्विस सेंटर पर, तो आप क्या करें, अपने लैपटॉप का बैक पैनल खुलवाएं। फ्रंट में जितना भी ऊपर कंपोनेंट होते हैं, जैसे स्क्रीन होती है, बेजल होते हैं, ठीक है, ऊपर की बॉडी होती है लैपटॉप की, कीबोर्ड होता है, टच पैड होता है, इन पे आप क्या कर सकते हैं, खुद से सिग्नेचर कर सकते हैं परमानेंट मार्कर से। इसमें आप सिग्नेचर ज़रूर करें, इससे क्या होगा, आप डबल श्योर हो जाओगे कि आपको कोई भी पार्ट रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, और होगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि भाई आपके जो सिग्नेचर है वो आप खुद ही पहचान लोगे। और ऐसे यूनिक सिग्नेचर आप करिए जिससे कि कोई ईजिली कॉपी ना कर पाए आपके सिग्नेचर को, ठीक है। तो आप बैक पैनल खुलवा लीजिए अपने लैपटॉप का, घर पर ही उस टेक्नीशियन को ही बोलिए कि खोलो मेरे लैपटॉप का बैक पैनल, इससे पहले आप लैपटॉप देना ही मत, ठीक है। आप अपने लैपटॉप की बैटरी पे साइन करो, हर एक कंपोनेंट हार्ड ड्राइव पे साइन करो, हर एक चीज़ पे साइन करो, रैम पे, मदरबोर्ड पे, फैंस पे, जहाँ जहाँ हो सकता है सिग्नेचर, जहाँ जहाँ मार्कर चल सकता है आप ज़रूर साइन करो। इससे क्या होगा कि आप श्योर हो जाओगे कि हाँ आपके लैपटॉप का कोई भी पार्ट रिप्लेस नहीं होने वाला है, और अगर सर्विस सेंटर वाले कुछ रिप्लेस करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। अब मान लेते हैं आपका लैपटॉप ठीक हो गया है, आप सर्विस सेंटर जा करके रिसीव कर रहे हैं या फिर घर पर ही रिसीव कर रहे हैं, कहीं पर भी रिसीविंग ले रहे हैं अपने लैपटॉप की, तो आप डबल श्योर कर लें, ट्रिपल श्योर कर लें, जितना टाइम लेना है लीजिए आराम से, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए टाइम लेने में, और सर्विस सेंटर वाले को या फिर उस बंदे को भी नहीं होनी चाहिए। आप जब अपना लैपटॉप रिसीव कर रहे हैं तो भाई आपका पूरा हक बनता है, आप अपने लैपटॉप को पूरा का पूरा टेस्ट करें। देखिए हार्डवेयर टेस्ट पे मैंने पूरा वीडियो बना रखा है पहले ही, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो जैसे नए लैपटॉप की टेस्टिंग करी जाती है, वैसे ही सर्विस सेंटर से लेने के बाद आप टेस्टिंग कर सकते हैं। सारी चीज़ें चेक करिए अपने लैपटॉप में, भाई जैसी पहली कंडीशन में आपने लैपटॉप दिया था आपका लैपटॉप उसी कंडीशन में होना चाहिए, सिर्फ जो पार्ट बदला है उसका फ़र्क आना चाहिए, बाकी किसी और चीज़ में फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो आप खुद से श्योर करें और चेक करें, इससे क्या होगा आपको फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने एक बार रिसीविंग कर ली तो आपको फ्यूचर में दिक्कत आएगी। अगर आपके लैपटॉप में उस वक्त कोई डैमेज आया होगा जब सर्विस सेंटर वाले ने रिपेयर वगैरह किया होगा, तो कुछ डैमेज आया होगा, तो वो आपको तो पता चलेगा नहीं, वो तो आपको बाद में पता चलेगा। तो आप उसी टाइम पे श्योर करने की कोशिश करें कि हाँ आपका लैपटॉप बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है लैपटॉप में, कोई भी कंपोनेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहिए और सर्विस सेंटर वाले से पूरी बात करिए कि भाई क्या खराब है इसके अंदर, क्या आप चेंज करोगे, क्या करना होगा इस लैपटॉप के अंदर। तो वो सारी चीज़ें आप पूरी तरह से पूछ सकते हैं, और इसमें कोई दिक्कत किसी भी बंदे को होनी चाहिए। अगर सर्विस सेंटर वाला आपको एंटरटेन ठीक से नहीं कर रहा है, सारी चीज़ें नहीं बता रहा है, तो आप कोशिश करिए, क्योंकि ये आपका काम है, आपको पता करना है, आपकी डिवाइस है। क्योंकि ज़्यादातर लैपटॉप के सर्विस सेंटर्स थर्ड पार्टी होते हैं, बंदे ही बैठे होते हैं आपके ही जैसे वहाँ पर भी, तो वो लोग भी अपना काम कर रहे होते हैं। कई बार क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन में बहुत
सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बंदे जो है ठीक से काम नहीं करते हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं, बट आपकी डिवाइस है तो आपको एंश्योर करना है कि हाँ भाई सारी चीज़ें सही से काम करें। जो आपके डेटा बैकअप वाली बात होती है, ये तो बहुत कॉमन सी बात है भाई, बैकअप तो लेना ही चाहिए सिस्टम का पूरी तरह से। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में बैकअप ले सकते हैं या फिर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में डेटा कॉपी करके आप पहले से कोई कंप्यूटर है आपके घर में उसमें बैकअप ले सकते हैं, क्योंकि बैकअप का साइज़ बड़ा हो सकता है 200 GB 300 GB, डिपेंड करता है कि आपका कितना इंपॉर्टेंट डेटा आपके लैपटॉप में पड़ा हुआ है। तो वो तो खैर बेसिक सी चीज़ है, वो तो आपको करनी ही है, सर्विस सेंटर वाले खुद ही बोल देते हैं कि सर सारा डेटा वगैरह जितना भी है वो सब उड़ जाएगा, तो ये चीज़ पहले ही बता दी जाती है, तो ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में शामिल कर ली हैं, जितने भी पॉइंट्स मेरे दिमाग में थे वो सारे मैंने डाल दिए हैं इस वीडियो के अंदर। अभी भी अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो वो मैं फ्यूचर में कवर कर दूंगा एक नेक्स्ट वीडियो बना के, क्योंकि पार्ट टू बनाऊंगा मैं इसका। जितनी भी कमियाँ रह गई होंगी यहाँ पर, कुछ और सजेशन आप दोगे, कुछ फीडबैक दोगे, कुछ और सारी नई चीज़ें, देखिए चीज़ें इवॉल्व होती रहती हैं, तो मैं दूसरा पार्ट जब बनाऊंगा तो सारी चीज़ें और अच्छी तरह से कवर करूंगा। अभी जल्दी तो नहीं आएगा पार्ट, जब ज़रूरत होगी तभी बनेगा। आप जितना भी फीडबैक देना चाहते हैं, जितना भी कमेंट करना चाहते हैं, आप नीचे करिए, अपनी बात जरूर रखिए ताकि मुझे पता चले आप क्या सोचते हो, आप क्या फील कर रहे हो। कुछ रह गया होगा तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके और पे क्लिक कर लीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड करने की, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप एक्सप्लोर करें, वीडियो सेक्शन में जाएं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे काफ़ी सारे आपको वीडियोस मिलेंगे जो आपकी डेफिनेटली नॉलेज को इम्प्रूव ही करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।